गुजरात के मोरबी में मौत का आंकड़ा 134 पर पहुंच गया है। हादसे में लापरवाही का एंगल सामने आ रहा है, मेंटेनेंस कंपनी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि कंपनी ने तय वक्त से पहले ही झूलता पुल यानी हैंगिंग ब्रिज लोगों के लिए खोल दिया और वो भी बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और एनओसी लिए। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि हादसा अगर लापरवाही की वजह से हुआ है तो लापरवाही किसकी थी और किस किस की थी। सवाल यह भी है कि अगर लापरवाही थी तो जो कुछ भी हुआ क्या उसे हादसे का नाम देना चाहिए या फिर हत्या कहना चाहिए। आइए पहले यह रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें एन उसी समय की हैं जब यह हादसा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा जो कि ब्रिज के एक छोर पर लगा था उसमें यह तस्वीरें कैद हुई हैं, जो आपको साफ तौर पर दिखाती हैं उस आखिरी लम्हे की उन लोगों की छटपटाहट और उसके बाद किस तरीके से निर्जीव सा यह पुल बिल्कुल झूल गया। हालांकि इसे झूला ब्रिज ही वहां पर कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद देखिए लोग यहां पर छुट्टी का दिन होने के नाते आए थे तस्वीरें खिंचाने, लेकिन लोग भी बड़ी संख्या में इस पर आते गए। बहुत पुराना ये पुल है, उसके बावजूद कोताही किस स्तर पर बरती गई कि लोग पुल पर आते गए क्योंकि टिकट लेकर आ रहे थे। मोरबी में मौत का मातम है, कहीं दिल को चीरने वाली आवाज सुनाई दे रही है तो कहीं एकदम सन्न करने वाली तस्वीरें। मोरबी का मंजर देखकर हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 125 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 8 दिन से मैडम अभी वो रिपेयर हुआ है और ये पब्लिक को दिखा रहे कि हम लोग 2 करोड़ रुपए का खर्चा करे, 2 करोड़ का खर्चा करे तो ये हादसा क्यों हुआ, ये हादसा क्यों हुआ? और बिना मंजूरी के वो लोग पैसों के लिए चला ले, तो आज जिसके परिवार के 160 के 70 जितने जन लोग गए वो तो उसके परिवार के गए ना मैडम, तो उनका क्या? आपके परिवार का, आपका बेटा? हमारे परिवार का 3 है, एक अच्छा है, 2 स्प्रेड हो गए, 2 एक घायल है, 2 नहीं रहे, क्या बात है। हादसे की वजह में लापरवाही का एंगल सामने आ रहा है। जिस ओरेवा कंपनी को सस्पेंशन ब्रिज के रिपेयर और मेंटेनेंस का काम दिया गया था उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि रिपेयर के लिए 8 से 12 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन 7 महीने में पुल को खोल दिया गया। खोलने से पहले कंपनी ने पुल की गुणवत्ता की जांच नहीं की। इतना ही नहीं, पुल को खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। मोरबी में हादसे के लिए जितनी लापरवाही कंपनी की है उतनी ही लापरवाही प्रशासन की भी है। ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों की क्षमता वाले पुल के लिए संडे को 400 टिकट बेचे गए, साथ ही भीड़ को काबू में करने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किए गए। जवाब हम यहाँ आंख बंद करके अंदाजा लगा सकते हैं, घर में छज्जा लगाने के लिए एनओसी चाहिए होती है। इतना बड़ा ब्रिज अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, खोल रहे हैं दोबारा से निर्माण के बाद, बिना फायर डिपार्टमेंट के ऑडिट, बिना सेफ्टी ऑडिट कैसे खुल गया? ये तो प्रशासन सीधे सीधे पल्ला झाड़ रहा है कि ये एनओसी नहीं ली थी। अगर एनओसी नहीं ली तो आपने खोला कैसे, उसे खुलने क्यों दिया? अब मोरबी नगर पालिका और अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी ओरेवा ग्रुप के बीच हुए करार की कॉपी देखिए। इसी साल मार्च 2022 में कंपनी ने मोरबी की हैंगिंग ब्रिज के रखरखाव के लिए 15 साल का करार किया था। हादसे के बाद कंपनी की ओर से जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। गुजरात के मोरबी इलाके में जो पुल हादसा हुआ है उसमें अब तक 130 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर आई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और एफआईआर दर्ज करने के बाद जिस कंपनी को मेंटेनेंस का काम दिया था ओरेवा ग्रुप, उनके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। अहमदाबाद से सटे इस ओरेवा ग्रुप के ऑफिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऑफिस है ये बंद है। कहा जा रहा है कि दिवाली के वक्त से यानी कि 4-5 दिन से ये ऑफिस बंद है, इस ऑफिस में कोई भी नहीं है। इस ऑफिस के अगर हम इस वक्त आप दृश्य दिखा पाए तो पीछे की ओर देखेंगे आप तो अजंता मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी कंपनी जानी जाती है और अजंता ग्रुप के जितने आप कह सकते हैं कि कंपनीज है उनके नाम दिख रहे हैं और लास्ट में ओरेवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ये चीज दिख रही है। सबूत साफ साफ इस बात का इशारा कर रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि भयंकर लापरवाही का मामला है। मोरबी से अरविंद ओझा और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।